पिहोवा के गांव भैंसी माजरा में भाजपा प्रत्याशी नायब सैनी के चुनावी कार्यक्रम के दौरान दर्जनों युवकों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इससे कार्यक्रम में पहुंची कई महिलाएं भी जख्मी हो गई। हमलावरों ने पत्थर बरसाते हुए भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हमला होते देख नायब सैनी ने वहां से भागकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि गांव सारसा और भैंसी माजरा में भाजपा प्रत्याशी नायब सैनी के कार्यक्रम तय किए गए थे। शाम को नायब सैनी गांव भैंसा माजरा की वाल्मीकि चौपाल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच दर्जनों बाइकों पर सवार होकर वहां कुछ युवक पहुंच गए और आते ही वहां पड़े ईंट पत्थर उठाकर अंधाधुंध बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और भगदड़ मच गई। इसके बाद पार्टी सदस्य इससे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बता रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। अब साफ होना यह बाकी है कि अंधेरे में आए अज्ञात हमलावर कौन थे। जब ईंटें बरसी है कि लोगों को चोटें भी आई हैं, क्या कहेंगे? तो आपका मौके पे था? नहीं, वहाँ पर गांव के काफ़ी संख्या के अंदर लोग उपस्थित थे और जब उन्होंने आकर के हमला बोला तो हमले के अंदर गांव के कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। एक महिला थी, उस महिला को भी काफ़ी चोट आई है और मैं वहां जाकर भी आऊँगा, परिवार के अंदर गांव के अंदर जाकर के आऊँगा। इस प्रकार का लोकतंत्र के अंदर ये अशोभनीय है जिस प्रकार का तांडव इन्होंने रचा है। हरियाणा प्रदेश की जनता जब इन्होंने भ्रष्टाचार जब ये भ्रष्टाचार घोटाले किए हैं और प्रदेश की जनता का अपमान किया है, तभी तो हरियाणा की प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। अब इनके पास पल्ले कुछ रहा नहीं। जींद के उपचुनाव के अंदर एक की 2000 वोट आए, एक के 20,000 आए, ये हालात इनके किए। और अब लोकसभा के अंदर दोनों का सुपड़ा साफ, तीनों का सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस का भी हो रहा है। जिस प्रकार का कांग्रेस के लोगों ने और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका छोरा दोनों के दो हार रहे हैं, वो बच ही नहीं रहे, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है जो इन्होंने जिस प्रकार का तांडव ये करते हैं, जिस प्रकार की लूटपाट इन्होंने हरियाणा के अंदर की है, ये सारा का सारा जनता देख रही है। कोई हमला हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए जो मेरे कार्यक्रम चल रहे थे आज सुबह से, मैं शाहबाद और पेवा के अंदर मेरे कार्यक्रम थे और लोगों का एक बड़ा जनादेश मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर लोग मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि INLD के और जजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने आकर के मेरे कार्यक्रम में चल रहा था, उस कार्यक्रम के अंदर आकर के हमला बोलते हैं और हमला बोला, वहाँ से चोटें भी आई कई लोगों पर। एक मेरा एस्कॉर्ट का पीछे ड्राइवर था, उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं। और इस प्रकार की हरकत, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आ गई है पार्टी, रमाना गांव के अंदर 3 दिन पहले मेरा कार्यक्रम था, वहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार की हरकत की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भागल में कार्यक्रम था, वहाँ पर भी इस प्रकार की हरकत की। और आज यहाँ पर आकर के मेरे गाड़ी भी तोड़ दी, मेरा हमला कर दिया ऊपर, ये इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन में आ गए। हरियाणा की जनता देख रही है, इनको सबक सिखाएगी। जो इन्होंने लूटपाट किया, भ्रष्टाचार किया है, इनको सबक सिखाने वाली है, क्योंकि आज ये एक इस प्रकार की स्थिति होगी है जैसा मरयावा सांप होता है ना, वो स्थिति इनकी INLD और जजपा की होगी है। और दोनों के परिवार के अंदर आपस में झगड़ा, परिवार का झगड़ा के अंदर हमने तो कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, परंतु इस प्रकार का लोकतंत्र के अंदर व्यवहार ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है लोकतंत्र का, जनता के बीच में जाना, ये हमारा पवित्र लोकतंत्र है। वो जाकर के अपनी बात रखता है और लोग निर्णय करते हैं उसके अंदर, लोग सबकी बात सुनते हैं, सुन करके उसके बाद निर्णय करते हैं। अगर लोकतंत्र में इस प्रकार का कि एक व्यक्ति को अपनी बात रखने भी नहीं देना, तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है। पहले तो इन्होंने प्रदेश का अपमान किया है और उस अपमान के चक्कर में ये लोग जेल के अंदर पड़े हैं और इब लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं। इनको सबक सिखाने वाली है, कांग्रेस पार्टी की भी ये हालत होने वाली है। आप देखना जिस प्रकार का इन्होंने गुंडा राज चला रखा है, ना तो कांग्रेस की कोई सीट आने वाली है, ना इन्हें जजपा की, इन सब लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी की झोली के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता देने वाली है। कि आज इनको ये पीड़ा होती है कि मनोहर लाल जी क्यों इस प्रदेश का इतना विकास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों इस प्रदेश का देश का इतना विकास कर रहे हैं। इन लोगों ने तो लूटपाट की राजनीति की है, आज आम जन की राजनीति हो रही है, उसके कारण इनके लोगों के पेट के अंदर मरोड़े उठ रहे हैं। और उसका ये कारण है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन ये इस प्रकार की आ रही है। जिन लोगों ने इस बड़ी हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको बख्शने का कोई सवाल नहीं।
इस हमले में क्या क्या नुकसान हुआ, किस प्रकार का, किसी गाड़ी का नुकसान हुआ या कुछ लोगों को चोटें भी आई क्या? नहीं, मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है उन लोगों ने, 70-80 लोग थे। FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ, पुलिस ने दर्ज की है, और ऐसे लोगों को बख्शने का सवाल ही नहीं है। अरे, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है वोट मांगने का, जनता उसका फैसला करती है। ये कौन लोग हैं कि जनता की आवाज़ को दबाने वाले कौन लोग हैं? हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो अपनी आकर के बात रखते हैं जनता के बीच में। हमने किसी दल के बारे में गलत नहीं बोला, किसी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोला, उसकी नीतियों के बारे में हम गलत बोलते हैं कि इन्होंने इस प्रकार का जो उनका शासन रहा था, इस प्रकार का तांडव हरियाणा प्रदेश के अंदर रचा था, उस बात के बारे में हम चर्चा करते हैं। परंतु लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात कहे, परंतु इस प्रकार से जनता की आवाज़ को दबाना लोकतंत्र के अंदर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, और जिन लोगों ने करवाया है, जो लोग किया है, जिन लोगों ने, उन सबको सजा मिलेगी। जी, सोनू कुमार जी, सरपंच जी, क्या मामला हुआ था जी? जी, हमने यहाँ नव सैनी का प्रोग्राम अच्छी तरह से हो रहा था, तो बाहर से कुछ लोग आए, नारेबाजी की और मारपीट करने की, जिससे काफी महिलाओं को चोट भी आई है और गंभीरता से बरसाई थी, जो कि बहुत ही, जितने लोग थे वो जिन्होंने ये हमला किया है जी, 100 से ऊपर से। तो किस किस के साथ में मारपीट की गई है वहाँ पे? जी, वहाँ पर नैब सैनी जो थे उनको धक्का मुक्का की और गड्डियों में इंटे बरसाई, और साथ ही पब्लिक थी जो खड़ी थी उनको टाइम वाले पुलिस वालों को भी लगे जी, उनको छत्ता गया है, उनको ईंट मारी, थप्पड़ मारे, उनका वीडियो एकदम से आए जी, वो वीडियो नहीं मिल पाई, तो निकल गए थे, उनकी जाते जाते भी उनकी गाड़ी पे पत्थर मारे। तो पुलिस आई है यहाँ पे इस टाइम, वहाँ सर। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।